मीनाक्षी जी, आपको डर नहीं लग रहा है हिमाचल प्रदेश में रात को 9 बजे सुनसान सड़कें हैं? एक दो गाड़ियों को छोड़ दें तो गाड़ियां नहीं है सड़क पर। हिमाचल की यही तो खासियत है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो फीमेल वो बहुत सेफ़ है। और मैं तो हमेशा यही कहा है कि और लेडीज़ को जैसे मैं कहती हूँ, आप आओ करो और बिल्कुल निडर होके करो, हिमाचल बहुत सेफ है। मुझे 5 सालों में कभी मतलब इतना मतलब डर नहीं लगा कि नहीं मैं अनसेफ हूँ या मैं बाहर जाकर भी आती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब दिल्ली वाला एरिया वो थोड़ा डरने का रहता है। अदरवाइज़ हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा मतलब चंडीगढ़ तक भी मैं मुझे अपनापन लगता है, इतना मतलब सेफ फील करती हूँ मैं जी। अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसे डर वाली बात नहीं है। मीनाक्षी जी, आपको डर नहीं लग रहा है हिमाचल प्रदेश में रात को 9 बजे सुनसान सड़कें हैं? एक दो गाड़ियों को छोड़ दें तो गाड़ियां नहीं है सड़क पर। हिमाचल की यही तो खासियत है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो फीमेल वो बहुत सेफ़ है। और मैं तो हमेशा यही कहा है कि और लेडीज़ को जैसे मैं कहती हूँ, आप आओ करो और बिल्कुल निडर होके करो, हिमाचल बहुत सेफ है। मुझे 5 सालों में कभी मतलब इतना मतलब डर नहीं लगा कि नहीं मैं अनसेफ हूँ या मैं बाहर जाकर भी आती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब दिल्ली वाला एरिया वो थोड़ा डरने का रहता है। अदरवाइज़ हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा मतलब चंडीगढ़ तक भी मैं मुझे अपनापन लगता है, इतना मतलब सेफ फील करती हूँ मैं जी। अभी फिलहाल तो कुछ ऐसे डर वाली बात नहीं है। मीनाक्षी जी, आपको डर नहीं लग रहा है हिमाचल प्रदेश में रात को 9 बजे सुनसान सड़कें हैं? एक दो गाड़ियों को छोड़ दें तो गाड़ियां नहीं है सड़क पर। हिमाचल की यही तो खासियत है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो फीमेल वो बहुत सेफ है। और मैं तो हमेशा यही कहा है कि और लेडीज़ को जैसे मैं कहती हूँ, आप आओ करो और बिल्कुल निडर होके करो, हिमाचल बहुत सेफ है। मुझे 5 सालों में कभी मतलब इतना मतलब डर नहीं लगा कि नहीं मैं अनसेफ हूँ या मैं बाहर जाकर भी आती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब दिल्ली वाला एरिया वो थोड़ा डरने का रहता है। अदरवाइज़ हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा मतलब चंडीगढ़ तक भी मैं मुझे अपनापन लगता है, इतना मतलब सेफ फील करती मैं जी। अभी फिलहाल तो कुछ ऐसे डर वाली बात नहीं है। मीनाक्षी जी, आपको डर नहीं लग रहा है हिमाचल प्रदेश में रात को 9 बजे सुनसान सड़कें हैं? एक दो गाड़ियों को छोड़ दें तो गाड़ियां नहीं है सड़क पर। हिमाचल की यही तो खासियत है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो फीमेल वो बहुत सेफ है। और मैं तो हमेशा यही कहा है कि और लेडीज़ को जैसे मैं कहती हूँ, आप आओ करो और बिल्कुल निडर होके करो, हिमाचल बहुत सेफ है। मुझे 5 सालों में कभी मतलब इतना मतलब डर नहीं लगा कि नहीं मैं अनसेफ हूँ या मैं बाहर जाकर भी आती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब दिल्ली वाला एरिया वो थोड़ा डरने का रहता है। अदरवाइज़ हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा मतलब चंडीगढ़ तक भी मैं मुझे अपनापन लगता है, इतना मतलब सेफ फील करती मैं जी। अभी फिलहाल तो कुछ ऐसे डर वाली बात नहीं है। मीनाक्षी जी, आपको डर नहीं लग रहा है हिमाचल प्रदेश में रात को 9 बजे सुनसान सड़कें हैं? एक दो गाड़ियों को छोड़ दें तो गाड़ियां नहीं है सड़क पर। हिमाचल की यही तो खासियत है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो फीमेल वो बहुत सेफ है। और मैं तो हमेशा यही कहा है कि और लेडीज़ को जैसे मैं कहती हूँ, आप आओ करो और बिल्कुल निडर होके करो, हिमाचल बहुत सेफ है। मुझे 5 सालों में कभी मतलब इतना मतलब डर नहीं लगा कि नहीं मैं अनसेफ हूँ या मैं बाहर जाकर भी आती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब दिल्ली वाला एरिया वो थोड़ा डरने का रहता है। अदरवाइज़ हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा मतलब चंडीगढ़ तक भी मैं मुझे अपनापन लगता है, इतना मतलब सेफ फील करती हूँ मैं जी। अभी फिलहाल तो कुछ ऐसे डर वाली बात नहीं है।